बारी दिल्ली के नरेला इलाके के बाकनेर गांव के दादा माई वाले मंदिर में आर्मी हॉस्पिटल ने लगाया ब्लड डोनेट कैंप। आर्मी के डॉक्टर्स और ऑफिसर्स की देखरेख में कैंप का आयोजन। कैंप में डोनेट हुआ ब्लड सेना के अस्पतालों में जाएगा, जहां सेना के जवानों और उनके परिजनों का इलाज होता है। जब लोगों को पता चला कि सेना के अस्पताल का कैंप है, तो सुबह ही ब्लड डोनेट करने वालों की भीड़ लग गई। सेना के लिए ब्लड डोनेट का नजदीक गांव में मौका मिला तो बड़ी उम्र के बुजुर्ग भी ब्लड डोनेट करने पहुंचे, पर बुजुर्ग हेल्थ कारणों से ब्लड डोनेट नहीं कर पाए, पर युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सुबह 11 बजे तक 150 यूनिट ब्लड डोनेट हो गई, पर कैंप शाम 4 बजे तक चलेगा। लोगों का कहना था कि वे आम लोग सीमा पर जाकर लड़ नहीं सकते, तो यहां सैनिकों के लिए रक्त दान कर देशभक्ति का काम तो कर ही सकते हैं। कुल मिलाकर जरूरत है इस तरह के कैंप लगे, तो सेना के लिए रक्तदान करने वालों की कोई कमी नहीं। सर नाम बताइए अपना। मेरा नाम रविंद्र इंद्रराज सिंह है, मेरा गांव एक खेड़ा है। सर ये बताइए, अभी जो ब्लड डोनेशन का कैंप रखा है, कहां पर रखा है और क्या है पूरा प्रोग्राम? दादा माई बागनेर में श्याम सेवा दल द्वारा ये आयोजित है और सैनिकों के नाम है। इतना सराहनीय काम और देश के शहीदों और सैनिकों के नाम से जो ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन बागनेर गांव में हो रहा है, उसके लिए मैं पूरे गांव वालों को और श्याम सेवा दल को सम्मान। और ये बताइए सर, जो हमारे जो जवान हैं देश पर लड़ते हैं, उनको किसी प्रकार की इंजरी होती है या कोई ट्रेजडी होती है, तो उनको ब्लड की जो बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो ब्लड जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्या ऐसे ऐसे जो प्रोग्राम है वो होते रहने चाहिए? रक्तदान महादान माना गया है कभी से ही, और ये प्रोग्राम तो हर 3 महीने में एक व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है, तो मेरा मानना है कि इससे ज़्यादा और इससे अच्छा कोई योगदान देश के सैनिकों के लिए नहीं हो सकता, इसलिए रक्तदान को महादान के रूप में कहा गया है।